और वहीं हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है और हाईकोर्ट में ईडी आज पेश करेगी अपनी दलील। सोमवार को हेमंत सोरेन के वकील ने रखा था अपना पक्ष। लैंड स्कैम मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, तो आज इसी को लेकर के सुनवाई है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई और हाईकोर्ट में ईडी आज पेश करेगी अपनी दलील, और जिसके साथ ही सोमवार को हेमंत सोरेन के वकील ने अपना पक्ष भी रखा था। तो लैंड स्कैम मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को जहां एक और गिरफ्तार किया है, तो वहीं हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। लगातार उन्होंने जमानत की कई कोशिशें की हैं, यहां पर आपको बता दें, लेकिन उस पर किसी प्रकार उन्हें रियायत नहीं मिल पाई। आज एक बार फिर जमानत याचिका लगाई गई है और अब देखना होगा कि सुनवाई में आज क्या कुछ फैसला कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। हालांकि ईडी की ओर से अपनी दलील यहां पर रखी जाएगी, तो एक और जहां जमानत याचिका, तो वहीं दूसरी ओर ईडी की ओर से उनकी दलील, और अब ऐसे में कोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। क्या इस बार उन्हें जमानत मिलती है या फिर कहें थोड़ी राहत क्या उन्हें दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश, देखिए एक और जहां आज जमानत याचिका पर सुनवाई है, तो वही हमने पहले भी देखा, कई बार जमानत याचिका लगाई गई थी लेकिन मंजूर होती हुई नहीं नजर आई थी। ऐसे में आज क्या स्थिति बनती है, इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है, क्या ईडी की ओर से तैयारी की गई, क्योंकि ईडी अपने ओर से जो साक्ष्य है वो भी पेश करेगी या कहें अपनी दलील रखेगी? देखिए, सबसे जो खास है कि हेमंत सोरेन के पक्ष में लगातार प्लीड किया जा रहा है और अपील किया जा रहा है मित्र से अपने वकील के माध्यम से कि उनको जमानत दिया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई इस तरह का एविडेंस नहीं है जिससे ये हो कि ये एकदम बिल्कुल करेक्ट आरोपित हैं और इन्होंने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया हो। कपिल सिब्बल साहब जब कल विरह कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जिससे कि ये साबित हो कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है। अगर है तो ईडी वो तमाम डॉक्यूमेंट तमाम साक्ष्य कोर्ट को प्रस्तुत करे। इसी बाबत ईडी से माननीय उच्च न्यायालय ने ये उनसे डिमांड किया है, उनसे मांगा गया है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो आपने कार्रवाई की है उस कार्रवाई की जो वजह से जो साक्ष्य आपके पास थे उस साक्ष्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। अब ईडी की तरफ से ये तमाम साक्ष्य दिए जाएंगे और उसके बाद ये सुनवाई होगी, फिर मेरिट के आधार पर कोर्ट उनको जमानत देती है नहीं देती है उस पर वो फैसला करनी पड़ेगी। चलिए बिल्कुल, और देखना होगा कि फिलहाल आज क्या फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया राजेश साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, आज एक बार फिर से ये दलील पेश की जाएगी, हालांकि ईडी अपनी दलील पेश करेगी, तो वहीं हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर यह सुनवाई है और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लगातार उनकी ओर से कई बार पहले भी जमानत याचिका लगाई गई थी और इस पर फिलहाल उन्हें किसी प्रकार की राहत अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन आज क्या उन्हें राहत मिलेगी इस पर जरूर नजर रहेगी और अपडेट भी हम आपको बताएंगे। तो एक और जहां देखिए, लैंड स्कैम के मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, पूर्व सीएम है वो, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वहीं आज वो अपनी जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई ईडी की ओर से गिरफ्तारी की गई थी, इसलिए आज ईडी भी अपने दलील कोर्ट के सामने रखेगी और क्या फैसला लिया जाता है इस पर नजर रहेगी। क्या किसी प्रकार की राहत हेमंत सोरेन को मिल पाती है या उन्हें जमानत दी जाती है, क्योंकि इसके पहले जब उन्होंने चुनाव के लेकर के मांगा था मगर उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिल पाई थी।